बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं हलवा एंड पूरियाँ। हलवा के लिए हमने बटर लिया है, शुगर ली है, और जो शुगर के अंदर इलायची डाली है वो ली है, हमने रेजन्स ली हैं, मिल्क लिया है, सूजी ली है, और गार्निश करने के लिए आलमंड लिए हैं। और पूरियों के लिए हमने आटा गूंद लिया है। 3 कप हमने ये लिया है प्लेन थ्री फ्लावर, फोर एंड फोर वन एंड हाफ कप प्लेन फ्लावर लिया है, 1 1/2 कप आटा लिया है, रोटी वाला और आटा जो नॉर्मल होता है ना। जी 1 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 3 टीस्पून हमने ऑयल लिया है। इसको आटा के जैसे ही गूंद लिया है नीम गर्म पानी से, फिर इसको अब ये ना क्लीकिन बहुत लगा के रख सख्त दिया हो है। डो ना बहुत नरम, जैसे बस नाइस हो, जैसे मीडियम सी ना, सख्त भी नहीं हो, बिल्कुल सख्त भी हो तो भी बहुत ज्यादा ही पूरी अक्कड़ सी जाती है। आटा के जैसे ही गूंदना है हाँ बस। जी, नाइस नरम सा ही हो। और ये कप, यही मेजरमेंट सूजी की है, यही शुगर की सेम ही है। तो सूजी को तो हमने इधर डाल देना है और इसका हम सीरा बनाएंगे। इसमें शुगर डाल के 4 कप पानी जाना चाहिए है, लेकिन हम 3 1/2 लेंगे, बिकॉज 1/2 कप दूध ऐड करना है अंदर, तो इसको भी ऊपर रख देंगे इतनी देर। सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पे हमने भूनना है, फिर वो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे फिर आपको स्मेल से पता चल जाता है कि भून चुकी है, या कलर से देख लें आप। और इसका सीरा इधर सेपरेट बनेगा। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, सूजी ऐड कर देंगे। अब इस टाइम पे आपने आंच हल्की ही रखनी है। ये देखिए हमारी सूजी तकरीबन भून चुकी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है ना, तो अगर हल्की सी, वो ज़्यादा नहीं कि जले हुए का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता, बस हल्की सी गोल्ड से जैसे ऐसा कलर कर लेना है दूध के साथ, फिर उसमें खुद ही बैलेंस हो जाना है। और हम पूरी के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा पसंद करते हैं। अगर आपने वैसे सादा बनाना है तो जैसे इसमें मैं थोड़ा सा दूध, 4 कप से जैसे कह लें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड हो जाना है डाल के दूध अंदर ना, जैसे 3 1/2 कप वो थे, और ये देखें आधे से थोड़ा सा ऐसे कप हो गया है ये दूध का, तो इसलिए क्योंकि पूरी के साथ सॉफ्ट अच्छी लगती है। वरना आप हल्के हल्के जैसे पूरे 4 कप के मेजरमेंट कर लें नॉर्मल हलवा खाने के लिए तो भी ठीक है, अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर अपना ये सीरा वाला पानी ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे, और साथ ही सौगियाँ वगैरह। ये हमने सूजी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, फिर अपने रेजन्स और अपने जो जो हमने सीरा बनाया था वो, और साथ वो 1/2 कप दूध डाल के अब इसको थिक होने तक कुक करेंगे। आपको पता चल जाता है जब थिक हो जाए ना, तो जैसे घी थोड़ा थोड़ा सा साइडों से आ जाता है कि अब ये रेडी है। बस तेज़ ज़रा आँच हो, ऐसे कुक कुक ही करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि वो ज़्यादा डार्क हो जाए या बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए। ले जी, हमारी हलवा भी और पूरियाँ भी रेडी हैं। चने भी हमने साथ बनाए हुए हैं, इसकी रेसिपी हम पहले दे चुके हैं। देखिए हमारी ये पूरियाँ ना क्रिस्पी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं, इतनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है ना। और साथ हम जूस पी रहे हैं, आज चाय नहीं पी रहे क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाना है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।